स्वागत करता है एक बार फिर से आपके YouTube चैनल असेसमेंट पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि इस चैनल पर सबसे तेज़ अपडेट दिया जाता है। कोई भी रिजल्ट आया, कोई भी एग्ज़ाम डेट आया, कोई भी कट ऑफ एनालिसिस हो या कोई भी अपडेट हो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले अपडेट दिया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी अपडेट और मिस ना हो, या ऑल सेलेक्ट कर देंगे बेल आइकन को दबा के। आज हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी छुड़ गया है कि 16 अक्टूबर को DFCCIL का रिजल्ट आ जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा, छोटा वीडियो रहेगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम बता दें कि इसमें आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले एक बात बता है कि जो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है वो जरूर आप फिल करिएगा। उसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BDA कट ऑफ के लिए भी याद की जा रही है। 100+ लोगों ने वहाँ पे सर्वे में पार्ट लिया है, आप भी पार्ट लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले आप बात करते हैं 16 अक्टूबर का रिजल्ट आएगा कि नहीं। 16 अक्टूबर आज से, आज है 14 अक्टूबर, परसों यानी रिजल्ट आएगा कि नहीं। देखिए, इतना जल्दी रिजल्ट किसी आयोग के द्वारा नहीं आता है, चाहे उसमें 500 लड़के क्यों ना अप्लाई किए होते हैं। यहाँ पर तो पूरे 3-4 लाख लड़कों कम से कम यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो 16 तारीख को आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। अगर आ भी जाए तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले जिनका है, एग्जीक्यूटिव का भी सर्वे कराएंगे इसके बाद। लेकिन एग्जीक्यूटिव जो 75 के करीब में आ रहे हैं जनरल, वो अपना साइको की तैयारी करें, CBET का तैयारी करते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट कभी आए आप तैयारी करते रहें, क्योंकि आपका भी टाइम लगेगा। लेकिन जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव को रिजल्ट से मतलब ही क्या है। आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव में इसके बाद डायरेक्ट अब डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके बाद मेडिकल है, डॉक्यूमेंट्स के बाद मेडिकल है। तो आपको अब रिजल्ट से कुछ लेना देना रहना ही नहीं चाहिए। आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप इसी में लगे रहेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, तो इसमें आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट होंगे। तो इसके चक्कर में ना करें, और प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ना कीजिए। जो चीज़ें जेन्युइन है, देखिए आप कमेंट में भी देख सकते हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि 16 तारीख को आएगा। तो 16 तारीख को आने के बहुत कम चांसेस है, इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा। एक ओवर भी मैं बता दे रहा हूँ, मैं रिजल्ट की वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, लेकिन इतने लोगों को मैसेज आए तो मैं बनाना पड़ा वीडियो। तो होप करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए हैं तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आएगा आपका होगा तो आप ज़रूर जाके, आप डॉक्यूमेंट कराने में तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन जितना एग्जीक्यूटिव वाले क्या करें, अपना CBET का तैयारी करते रहें, साथ साथ 70-75 करीब में जिनका आ रहा है जनरल, वो करते रहें, उसी के रेस्पेक्ट में और चीज़ें करते रहें। तो होप करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।